सो हे गाइस, स्वागत है आज आप लोगों को एक बिल्कुल नए नवेले एपिसोड पे। और पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मिलेंगे दूसरे वीडियो पे क्वालिटी और अपने इतिहास को बिना बिगाड़े। खैर, दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन मैंने रावण को सस्ते चमगादड़ के ऊपर बैठे हुए देखा था। हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन को रिक्रिएट करते करते आपने अपने संस्कृति को बिगाड़ डाला है। खैर, अगर आप लोगों को नहीं पता हो कि पुष्प अभिमान के बारे में, उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे स्टोरीज आप लोगों को यूट्यूब में भरे भरे मिल जाएंगे। इतना गौरवशाली है और इतना वैभवशाली है हमारा इतिहास, उसके बारे में बिना जाने आप लोग ऐसा फालतू इमेजिनेशन का पोर्ट्रेट कैसे कर सकते हो, मतलब जहां पर चीजों को आपने ऑथेंटिक रखा ही नहीं। तो चलिए, मैंने ये सीरीज उसी के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है कि मुझे टीजर के अंदर जो शॉट्स बिल्कुल भी रद्दी और बेकार लगे, एकदम भी पसंद नहीं आए, उन्हीं शॉट्स को हम लोग ठीक करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसा किया जा सकता था। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, फिल्म मेकर के यहाँ पर मोटिवेशन रहा होगा कि रावण को डिमोनिक तरीके से दिखाना, लेकिन उसके चलते जो आप लोगों ने कैरेक्टर बिल्डअप्स के साथ छेड़खानी कर दी है, कैरेक्टर के फिजिक्स के ऊपर से छेड़खानी कर दी है, वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है और जो कि लाजमी है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी? देखो गाइस, ये था टीजर टी सीरीज का वर्जन, ठीक है, और ये हम बनाने जा रहे हैं, छोटा सा एक झलक देख लो। मेरे ख्याल से ये सीन रहा होगा जबकि रावण सीता माता को हरण करने के लिए जा रहा होगा, और तब रावण जाता है सीता माता को हरण करने के लिए अपने पुष्पक विमान के ऊपर। मेरे को लगता है कि मेकर्स ने रिसर्च नहीं किया होगा अपने हिस्ट्री के ऊपर। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि कितना बढ़िया इमेजिनेशन का एकदम चरम सीमा, अगर बोले ना आजकल के राइटर्स को फट जाएंगे वैसे इमेजिनेशन लाना, जो कि 7000 साल पहले भाई हमारे मुनि ऋषियों ने हम लोगों को गिफ्ट में देके गए थे, जो कि है रामायण। और उसका एक बहुत ही चैप्टर्स में से एक सबसे, मतलब फैंटेसी का एकदम अजूबा मुझे जो लगता है वो है पुष्पक विमान, जो कि इस टीजर का मनी शॉट हो सकता था मेरे दोस्त, और उस शॉट को इन लोगों ने ऐसे बिगाड़ा है कि मत पूछो बस। तो मैं चाहता हूं कि इस चमगादड़ को रिप्लेस करके हम इधर पे अपना पुष्पक विमान दिखाएं। हालांकि सैफ अली खान जो इसके ऊपर राइड करते हुए आ रहे हैं, ये तो अब दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो मॉडल है बहुत ही लार्जर, क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल सीन है, ठीक है, लार्जर देन लाइफ टेक लेने का मैंने कोशिश किया हूं, जो कि बादलों के बीच से होगा। तो उसके लिए शॉट्स भी डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चाहिए होगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ रावण फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने इतिहास के उन किरदारों के साथ कोई भी छेड़खानी करूं और गलत तरीके से मैं अपना कोई टेक लूं। इसीलिए मैं रावण का कैरेक्टर तो बिल्कुल भी प्ले नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग एंड में जाएंगे पुष्पक विमान के ऊपर और उधर पे जाके देखेंगे कि आखिरकार पुष्पक विमान कैसा होता या फिर कैसा हो सकता था। तो देखिए, पुष्पक विमान के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा तो मैं सच में चौंक गया कि अगर सच में ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता होगा तो वो कितना अमेजिंग होता था। तो पहले मैंने तो बहुत सारे वीडियोज देखे और मैंने सुना कि पुष्पक विमान के बारे में एक्चुअली डिस्क्रिप्शंस क्या है हमारे शास्त्र पे या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स पे। तो मैं जाना कि पुष्पक विमान एक्चुअली में इतना बड़ा हुआ करता था कि उसके अंदर एक पूरा का पूरा शहर समा जा सकता था। पुष्पक विमान हर तरह के भोग विलास से लैस था, और पुष्पक विमान को पुष्पक विमान नाम देने का कारण यही था कि पुष्पक विमान के अंदर ना फूलों के बगीचे रहते थे बहुत सारे, एक गार्डन टाइप आप लोग बोल सकते। जब ये जमीन पर रहता था तब किसी महल के समान प्रतीत होता था, और जब आसमान में रहता था तब किसी बादल के समान प्रतीत होता था। अगर आप लोगों को नहीं पता, बता, और हमारे हिंदू शास्त्र के पुराने जो शास्त्र थे उनपे, मतलब लिटरली एक डेडिकेटेड विमान शास्त्र था जहां पर कि पुष्पक विमान के बारे में वर्णित है। तो मैंने जो समझा कि इसका जो शेप था ये किसी महल के समान ही था, ठीक है, ये ट्रायंगुलर और एक राउंडेड शेप था जो कि ग्रेविटी के ऑपोजिट पे काम करता था। खैर, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या रहा होगा मैं तो उसके बारे में पता नहीं कर सका, तो मुझे एक मैकेनिज्म देने का जरूरत था। पहले तो मैंने कुछ रेफरेंस फोटोज कलेक्ट किए, कुछ रेफरेंस फोटोज के आधार पे मुझे एक सबसे बढ़िया 2-3 फोटोज लगे, तो मैंने उसको एज ए रेफरेंस मैं ब्लेंडर में लाया, उसके ऊपर मैंने शेप्स ड्रॉ कर करके बहुत ही एक रफ एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद मैंने डिटेलिंग ऐड किया। और इधर पे मैकेनिज्म पे नाम पे मैं नीचे का ये जो पार्ट आप लोग देख पा रहे हो इसको मैंने एक राउंडेड ऑर्बिटल फोर्सेस में इसको घुमा दिया है ताकि लगे कि ग्रेविटी के फोर्स के उल्टे काम कर रहा है। तो दो क्वेश्चन जो मेरे दिमाग पे इस टाइम पे आ रहे थे वो ये था कि पहले तो इसको एक प्रोपेलर तो दे दिया लेकिन कुछ पंख जैसा देने का इसको जरूरत है, तो मैं सोच रहा था कि पंख वंख लगाओ कि नहीं। फिर मैं सोचा नहीं, इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट अगर आसमान पे उड़ रहा हो तो ठीक है, पंख जैसे चीज के बदौलत वो इतना बड़ा भारी भरकम चीज को लेकर उड़ पाएगा, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा दिखने में। इसलिए मैंने दो गार्डन टाइप के दो शेप्स बनाए प्रोपेलर टाइप के दोनों तरफ अपने मतलब जो मेन बिल्डिंग है उसके दोनों तरफ, और इनको बाद में मैंने गार्डन पे कॉन्वर्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे क्विक्सेल से एसेट्स लिए हुए हैं जो कि 8K रेजोल्यूशन पे है। चाहे आप जितना भी जूम करो, चाहे आप जितना भी डिटेल में चले जाओ, डिटेल इसमें से मेंटेन रहेगा। और जो मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे मॉडल का जो सबसे बड़ा USP है वो यही है कि मैंने इसको रियल डायमेंशन पे बनाया है,
तो जहां पर भी आप कैमरा लेके जूम इन करो या फिर कैमरा के मूव्स करो तो आपको कहीं पे भी मतलब सेंस ऑफ स्केल का कमी महसूस नहीं होगा अगर उसके सामने आप कंपैरेटिवली कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो। उसी तरीके से मैंने इधर पे एक पूल बनाया हुआ है और इसके ऊपर जो कि पुष्पक विमान है, अगेन मैं नाम के साथ जस्टिस करने के लिए इधर पे थोड़े से कमल के फूल दिए हैं, कुछ पेडल्स है यहाँ पे जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत बढ़िया लग रहा है एटलीस्ट मेरे ख्याल से। तो एंड में जब ब्लेंडर पे हमारा काम खत्म हो गया फिर हम लोग गए शूटिंग करने के लिए और मेरा इमेजिनेशन कुछ ऐसा था कि मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं रावण का रोल डेफिनेटली नहीं प्ले करने वाला हूं। तो इमेजिनेशन कुछ ऐसा था कि मैं मतलब गया हूं उधर पे घूमने के लिए और कोई एक वॉयस ओवर बहुत ही दमदार तरीके से पुष्पक विमान के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो मैंने कुछ कुछ वैसे ही एक्ट किया, ग्रीन स्क्रीन में शूट किया। हाँ, हालांकि मुझे पता है इधर पे लाइटिंग ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही न्यूट्रल लाइटिंग पे हम लोगों ने शूट किया है, लेकिन खैर जो भी है मेरा कॉन्टेक्स्ट इधर पे पुष्प विमान बनाना था ना कि कंपोजिटिंग करना। और यही अगर मैं मूवी पे कर रहा होता तो फोरग्राउंड को मतलब बना के शायद से एक सेट बना के फिर ग्रीन स्क्रीन ऐड करके बाद में पूरा का पूरा कंपोजिटिंग करता तो दिखने में 100% रियल लगता। एंड एक बार जब सब कुछ खत्म हो गया तो आफ्टर डेज ऑफ कंपोजिटिंग एंड आफ्टर इफेक्ट्स सारे के सारे चीजों को एलिमेंट्स को इमर्ज करने के बाद सब कुछ एकदम बराबर से जब सेट हो गया तब एक बढ़िया साउंड इफेक्ट और बढ़िया वॉइस ओवर के साथ जय प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए हियर इज द फाइनल रिवील गाइस वॉच इट। सृष्टि के प्रारंभ में निर्माताओं के देवता विश्वकर्मा जी ने धन के देवता कुबेर के लिए विमानों में श्रेष्ठ निर्माण और वास्तुकलाओं का एक मिसाल कायम किया था। कालखंड के एक चक्र के बाद जब त्रेता युग आया तब राक्षस राज रावण ने कुबेर के इस अद्भुत विमान को बलपूर्वक हासिल किया था जिसका नाम है पुष्पक विमान। शास्त्रों में वर्णित है कि पुष्पक विमान के अंदर एक पूरा का पूरा राज्य समा सकता था। अद्भुत विराट विज्ञान और शिल्प कला का एक अद्भुत मिसाल यह था पुष्पक विमान। और आपने ये क्या बना दिया है? ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड। खैर आखिर में ओम राव जी से मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है अगर आप इस चीज को लेके सीरियस हो तो मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद पुष्प विमान के इस मॉडल को बनाया है और मैं अगर यही प्रोजेक्ट इसी स्केल पे कोई प्रोजेक्ट शायद फ्रीलेंसिंग कर रहा होता किसी बाहर के कंपनी के लिए या फिर अब्रॉड के मेरे क्लाइंट्स के लिए तो शायद इसी मॉडल के लिए 2-2.5 लाख रुपए आराम से चार्ज करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात मेरे संस्कृति के पे आती है और यहाँ पर बात रामायण पे आ रही है मैं ये मॉडल 100% फ्री डेडिकेट करना चाहता हूँ मूवी के फिल्म मेकर के टीम को। अगर आप लोग तो चाहते हो तो इस मॉडल को आप लोग फ्रीली ले सकते हो, पूरा लुत्फ उठाइए इस चीज़ का, आप लोग यूज़ कीजिए। मैं 1% भी क्रेडिट क्लेम नहीं करूँगा और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक भी पेनी एक भी पैसे की। आप लोग इस मॉडल को ले सकते हो, मूवी पे यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जब आप लोग ये पोर्ट्रे करेंगे तब कम से कम हमारे इज्जत को लेके और हमारे संस्कृति के बारे में ये सब देख के लोग कम से कम हंसे तो ना, कम से कम उन लोगों को पता तो चले कि आखिरकार ये चीजें सच में सीरियसली इतने इंप्रेसिव थे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा ये मैसेज या फिर मेरा ये मॉडल आदि पुरुष के डायरेक्टोरियल टीम तक पहुंचे, उनके प्रोडक्शन तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, यही पे ये सीरीज खत्म नहीं होता, आगे और भी वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। टीजर में ऐसे और भी बहुत सारे सीन्स है जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो सोने की लंका के ऊपर बनाऊं जो कि उन लोगों ने बिल्कुल ही बेकार और डार्क बना के रख दिया है। तो अगर चाहते हो कि वो वीडियो भी जल्द से जल्द आए तो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे दूसरे चैनल के वीडियोस भी, बहुत सारे अमेजिंग चैनल कंटेंट अमेजिंग कंटेंट से भरा हुआ है हमारा चैनल, देखते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, ओवर एंड आउट।